ये देखो जी हम पहुंच गए भरमौर। यहाँ पे आपको टैक्सियाँ कारें बहुत सारी मिलेंगी। यह एंट्रेंस मनी महेश टैक्सी यूनियन और ये जा रहा है भरमौर भरवानी पैदल मार्ग। ये देखो जी हम आ गए शॉप पे जीजा जी की, पर भाई अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज का कुछ नहीं मिला। मैंने बोला भाई मेरे साइज का मंगा दो। ये हमारे अज्जू भाई, चलो। सो भाई ये घुस गए हम 84 मंदिर में। मुख्य 84 मंदिर अंदर मोटरसाइकिल ले जाना। ये पीछे पहाड़। अजू भाई इसकी क्या मान्यता क्या है इस मंदिर की? ये पेड़ कितना पुराना है यार, देख। ये बहुत पुराना पेड़ है और ये एक बार हेलीकॉप्टर फट गया था इसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो? चंबा का जुगान दिखाई देता था, अब टूट गया आधा है। ओ देवदार का पेड़ है भाई साहब। और ये देखो ये भोलेनाथ का मंदिर है। वाह, कई सदियों पुराना है। और ये कला मंच यहाँ मतलब कुछ वो करते हैं तो ये फंक्शन से मेला वेला कब लगता है? वो अगस्त में। अगस्त ये किस चीज का मंदिर है? लक्ष्मी माता को तो देखने पैसा वैसा आएंगे। जय हो। यमराज भाई क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी अज्जू भाई बोल रहे हैं यमराज का मंदिर दिखाता हूँ, वर्ल्ड फेमस धर्मराज। अभी दोस्तों देखो हमारे छाबड़ा साहब आ गए और कह रहे हैं कि फोटो ले लो। इतने सारे मंदिर हैं। ये वाला सुबह सब ये है। ये वाला जो है ये धर्मराज जी का मंदिर है, धर्मेश्वर महादेव। तो चलो अंदर चलते हैं। तो देखो जी ये है नरसिंह भगवान का मंदिर और अभी अज्जू भाई ने हमें मिलवा दिया है धर्मेश्वर महादेव से, धर्मराज। अभी चलते हैं आगे, वहाँ सामने शिव जी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे 84 मंदिर है, मतलब एक तरह से 84 मंदिर एक ही उसमें है। तो अभी आओ चलते हैं। तो देखो ये हम आ गए यहाँ पर। जाओ ये देखिए हमारे नरसिंह भगवान जी। जय हो। अभी दरवाजे सब बंद हैं। ये दरवाजा खुला हुआ है तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। अभी सब दरवाजे बंद हैं एक्चुअली। अब क्यों बंद हैं वो रीज़न मैं शायद दोपहर में आए तो इस वजह से बंद हैं। तो चलो जय हो नरसिंह भगवान जी। यहाँ का व्यू देखो आप, ऊपर बर्फ के पहाड़, बहुत ताजी बर्फ गिरी है। शिव जी का मंदिर बहुत सारे शिव जी शिवलिंग और ये कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से ऊपर से और ऊपर। और Yeah.
बंद कर रहे हैं ना, 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 ना। पंडित क्या मान्यता क्या है यहाँ की? ये शिव जी का मंदिर है ना, मणि महेश मंदिर 84 टेम्पल। अच्छा तो ये बहुत पुराना, मतलब काफी पुराना है। शताब्दी का अनुमान लगाया गया। सातवीं? हाँ जी, सेवेंथ सेंचुरी में। बहुत बढ़िया। ये दोपहर में क्या मतलब बंद करते हैं इसलिए ताले लगे हुए? हाँ बंद रखते हैं ना, यही हुए तो खोल भी देते हैं। अच्छा, किनारे भरे चले गए। तो भाई लोग ये यहाँ पे स्कूल भी है, तो स्कूल के बच्चे भी हैं, दोपहर में घूमते हैं, दोपहर धूप सेक रहे हैं। और यहाँ सारे मंदिर है, तो 84 टेम्पल्स यहाँ पर हैं टोटल। यहाँ सामने रावण का है, DAV पब्लिक स्कूल है यहाँ पे ऊपर। तो देखो जी, ये है अर्धगंगा। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे आधे पाप धुल जाते हैं आपके, इसलिए अर्धगंगा है। यही है ना जी? वो पीछे राम जी का चिन्ह है, रावण जी का। कहाँ पे? बोले ये भोलेनाथ का मंदिर बना और पीछे रावण जी। अच्छा। का चिन्ह, पीछे जो है पत्थर, पीछे रावण का चिन्ह वो। अच्छा वो ये रावण जी का चिन्ह है जी, रावण ही है भाई। जो यहाँ लोग बोलते हैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो कोई भी ऑफेंड मत होना इस चीज़ से कि जी क्यों लगा दिया मैंने। ये वेतरनी नदी बोलते हैं जो अर्धगंगा मैंने आपको दिखाई है, और बकायदा गेट लगा के स्नान वान करते होंगे लोग उस हिसाब से। ये सूर्यलिंग जी हैं, तो मतलब यहाँ पे जितने भी जो सूर्य के जो पार्ट हैं, जितने भी सूर्यलिंग हैं वो सॉरी शिव जी के जो पार्ट हैं, महादेव के जितने भी लिंग हैं वो यहाँ पर सब एक जगह पर ही हैं। और देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। अभी धूप निकली हुई है, सब लोग धूप भी सेक रहे हैं। ये हमारे हेमंत जी सामने से आ रहे हैं, फोटोएँ खिंचवाते हुए बड़ी देर से। ये देखो इनकी फोटो भी है, फिर खड़े हो गए कि फोटो खींचो मेरी, लो भाई खींचिए। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ हेमंत जी की क्वालिटी हमारे, कि जो कपल्स बेचारे खुद सेल्फी ले रहे हैं उनको उठा के ये उनको कह रहे हैं मेरी फोटो खींच दो। देखो भाई कंचे खेल रहे हैं। भाई कंचे खेलेंगे, चलो जो भाई ट्राई तो करो ना। ये हमारा प्लेयर, चलो क्या नाम है बेटा, नाम बता दो, क्या नाम है, नाम बता के खेलना भाई, हम देख रहे हैं। नाम तो मेरे को तो एक भाई रोशनी नहीं आ रही है, खड्डे में रोशनी लाने दे। आराम से मारना, आराम से। क्या बात, एक बार तो दे दे यार। ये देखो बच्चे खेलने नहीं दे रहे, कोटी नहीं दे रहे, अजीब भागी भाई साहब। तो एक बार दे दे यार भाई को। छोटा है कंचा, ये कंचा छोटा नहीं है। मारो मारो मारो, खड्डे में जाए उसे, क्या बोलते हैं इसको, मोरी। ये भाई साहब बहुत तेजी से मैच होते हुए, मतलब मैं ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा अपने। अरे वाह राजू भाई, ये बाहर गया तो मतलब अब क्या हुआ? मतलब हारे <भारे? laughs>